बिजली विवाद से संबंधित। पहली बात तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर हमारे किसी कर्मचारी की तरफ से गलत बिल बना करके या समारोह पूरा, माननीय अध्यक्ष जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिजली विभाग ने एस्टिमेट भी दे दिया, आवेदक ने पैसा भी भर दिया, सामान भी उपलब्ध है, लेकिन सुनिए तो जहां से लाइन जानी है, जहां से लाइन ले जानी है, वहां कई बार वहां के पड़ोसी लोग, वहां के लोग, अगल बगल के लोग कई बार उस लाइन के ले जाने का विरोध करते हैं। ऐसी स्थानीय परिस्थितियों के कारण कई बार विलंब होता है, लेकिन उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग अच्छे से कर रहे हैं। चलिए जो नोटिस का बैठिए बात जवाब सुनिए, जवाब नोटिस का मूल मुद्दा है वो है घरेलू कनेक्शन के संबंध में। मैं इस माननीय सदन को सुनिए, उत्तर भी तो सुनो, आपके माध्यम से सुनो तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि इस समय राज्य में कुल घरेलू कनेक्शन 2,87,00,000 के ऊपर है, 2,87,00,000 के ऊपर। हमारे सभी कनेक्शन मिलकर के अगर देखा जाए तो 3,30,00,000 के आसपास हमारे बाकी कनेक्शन हैं। तो हमारा ज्यादातर जो कनेक्शन है वो घरेलू कनेक्शन की व्याख्या में आता है, हमारा ज्यादातर लोड भी घरेलू कनेक्शन के ऊपर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो घरेलू कनेक्शन देने की जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष जी, इस समय हमने पूरी ऑनलाइन की हुई है और झटपट पोर्टल है, उसके माध्यम से हम लोग इसका कनेक्शन देते हैं। मैं खाली पिछले साल की बात करूं 2022-23 की, तो इस पोर्टल के माध्यम से लगभग घरेलू और छोटे मोटे जो वाणिज्यिक होते हैं उनको मिलाकर के, मैं अभी बात कर रहा हूं, उनको मिलाकर के 16,62,000 कनेक्शन दिए गए। खाली मैं इस समय की बात करूं, वर्तमान में छोटे समय की बात करूं, तो जनवरी 2023 के महीने में माननीय अध्यक्ष जी 1,22,556 कनेक्शन दिए गए हैं झटपट पोर्टल के मार्फत घरेलू प्रकार के। अगर इस वर्ष के 4 महीनों की बात करूं, अप्रैल से इस महीने जुलाई तक के महीने की, तो 4,44,000 कनेक्शन हमारे झटपट पोर्टल के मार्फत जो घरेलू कनेक्शन है उनको दिए गए हैं। रही बात जो कहीं कोई समस्या की बात है माननीय अध्यक्ष जी, तो उसमें प्रक्रिया ये है और हम लोग इसको बड़ी ही गहराई से इसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने उसका एस्टिमेट भरा, कितने लोगों को कनेक्शन दे दिया गया, कितने लोगों के कनेक्शन में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। हम लोग इसकी जो पूरी प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष जी कि व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है, उसका घर जो नियरेस्ट पॉइंट है बिजली का वहाँ से कितनी दूर है, उसके आधार पर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है, वो एस्टिमेट वो आदमी भरता है और झटपट पोर्टल पे उसका डिटेल देने के बाद हमारा प्रयास होता है कि 1 सप्ताह के अंदर उसको कनेक्शन दे दिया जाए। जहाँ तक माननीय विधायक जी ने कहा कि विधायक निधि से देने की बात है, तो मैं ऐसा मानता हूँ, विद्युत विभाग ऐसी कोई दरखास्त कर रहा हो ऐसा अगर संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर उसमें देखूंगा, लेकिन सामान्य रूप से जो हमें जानकारी जो है कि जो उपभोक्ता को जो इस्टीमेट दिया जाता है उसके लिए, उसकी मदद के लिए आपके पास अगर जाते होंगे तो बात और जहाँ तक करेक्शन की बात है, ये करेक्शन जो है उसको 40 मीटर के अंदर अगर है तो बहुत ही सामान्य कीमत पे होता है, 40 मीटर के बाहर अगर है तो थोड़ा उसका एस्टिमेट बढ़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, झटपट पोर्टल के आने के बाद इसमें जो समस्याएं थी, जो फरियाद थी, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है माननीय अध्यक्ष जी, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिजली विभाग ने एस्टिमेट भी दे दिया, आवेदक ने पैसा भी भर दिया,
सामान भी उपलब्ध है, लेकिन अरे सुनिए तो, जहाँ से लाइन जानी है, जहाँ से लाइन ले जानी है, वहाँ कई बार वहाँ के पड़ोसी लोग, वहाँ के लोग, अगल बगल के लोग कई बार उस लाइन के ले जाने का विरोध करते हैं। ऐसी स्थानीय परिस्थितियों के कारण कई बार विलम्ब होता है, लेकिन उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग अच्छे से कर रहे हैं। रही बात कि माननीय बालियान जी ने और बाकी लोगों ने प्रसन्न कुमार जो कुछ और मुद्दे थोड़े से उठाए हैं बिजली विभाग से संबंधित, पहली बात तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर हमारे किसी कर्मचारी की तरफ से गलत बिल बना करके या सुना, माननीय अध्यक्ष जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अरे पहले सुनो तो, माननीय अध्यक्ष जी ने नोटिस से बाहर नोटिस के बाहर नहीं बोल रहे हो, उन्होंने कहा है कि घरेलू कनेक्शन के लिए कुछ लोग घूस मांगते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं कि कोई मांगेगा तो उसको जेल भेज देंगे, नोटिस के बाहर नहीं बोल रहे। सुनिए तो सही, आप सुन नहीं रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो उन्होंने पूछा उसी पर बोलेंगे, उसके बाहर आप किसी को भी नहीं बोल रहे। मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लूंगा, मंत्री जी की बात तो आगे देखो, ये लोग ऐसे लोग जो इस समय झटपट पोर्टल की बात कर रहे हैं, 2017 के बाद हमारी पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है और उस पर एक एक एप्लीकेशन का हमारे पास हिसाब है। आपको चाहिए तो अगर वो गलत बिल बना रहे हैं तो उसकी जानकारी हो तो उसकी जांच करा, आप चिंता न करें। धन्यवाद। रही बात, धन्यवाद।